जानते हैं कि दिल्ली के प्रगति मैदान में बना भारत मंडपम जो करीब 2700 करोड़ में बना है वो एक शंख की शेप में है। इसकी कंबाइंड कैपेसिटी करीब 7000 लोगों की है जो विश्व प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस से भी ज्यादा है। ये है भारत के नाम एक और कीर्तिमान। इंडिया इज रेसिंग अहेड, तो हम भी आगे बढ़ते हैं। लेट अस ऑल्सो कीप पेस विद इट। आज के न्यूज मेकर सेक्शन में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं श्री अमिताभ कांत, जो 1980 बैच केरला काडर के एक आईएएस ऑफिसर हैं। श्री अमिताभ कांत ने सरकार के कई संस्थानों में कार्यरत रहते हुए भारत के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया है। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, केरला गॉड्स ओन कंट्री जैसे कई प्रमुख राष्ट्रीय पहलों में मुख्य भूमिका निभाई है और उनके ये इनिशिएटिव्स बड़ा बदलाव लाने में बहुत हेल्पफुल रहे हैं। 2014 में QCI के चेयरमैन होने के अलावा उन्होंने नीति आयोग, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स जैसी कई संस्थानों का नेतृत्व भी किया है। और तो और, हाल ही में हुए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय G20 समिट के वे शेरपा भी हैं। भारत के उज्जवल भविष्य को लेकर हमारी हुई उनसे कुछ बातचीत। सर, आपके मुताबिक एक डेवलप्ड इंडिया बनाने में क्वालिटी का क्या महत्व रहेगा? अगर हमें आगे चल के एक $35 trillion इकोनॉमी बनना है 2047 तक, क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज। हमारे जो आम हिंदुस्तानी है उसके एक दिमाग में घुस जाना चाहिए कि क्वालिटी के बिना ना हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और क्वालिटी इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनना चाहिए और इस क्वालिटी के पीछे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन इंडिया पोस्ट G20? इन द पोस्ट G20 पीरियड वी विल वर्क विद ऑल द G20 कंट्रीज, पर्टिकुलरली ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, हु विल बी होस्टिंग द नेक्स्ट G20, टू टेक इंडियाज विजन एंड इंडियाज achievements of G20 forward for implementation in the next few. आज की younger generation विकसित भारत में किस तरह से सक्रिय योगदान दे सकती है? एक ये युवा देश है पूरा, इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल भारत के युवा वर्ग का है कि वो लोग एक क्वालिटी पर फोकस करें। जो भी क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, नया अर्बनाइजेशन हो, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट हो, ये युवा ही ला सकता है देश में क्वालिटी कॉन्शियसनेस। फिल्मी हीरो के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं, हम बात करेंगे एक साइलेंट हीरो की। हाय, मैं हूँ आरजे यश और आप सुन रहे हैं मुझे 98.3 मिर्ची पर। और इस हीरो का नाम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमारे जीवन की क्वालिटी को सुधारने में लगातार काम कर रहा है। ये लेके आए एक्साइटिंग न्यू इनिशिएटिव जो फोकस्ड है यूथ पर, क्वालिटी भारत मिशन। ये मिशन हर चीज में क्वालिटी को प्रमोट करता है, जैसे लाइफस्टाइल, एजुकेशन और हेल्थ केयर। तो चलिए हम सब क्वालिटी भारत मिशन के साथ जुड़ जाते हैं और पहला कदम उठाते हैं www.qualitybharat.qcin.org पर जाके क्वालिटी भारत प्लेज लेते हैं। इस अमृत काल में जीवन के हर पहलू में गुणवत्ता को प्राथमिकता देकर सन 2047 तक, यानी देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक, एक विकसित भारत एट 2047 की परिकल्पना की है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सोचा कि क्यों ना क्वालिटी के इस मैसेज को देश के हर कोने, हर सेक्टर तक एक मुहिम की तरह लेकर जाया जाए, जिससे इसके प्रति जागरूकता और इसकी इम्पोर्टेंस हर वर्ग, हर उम्र और हर देशवासी तक पहुंच सके। इसी मिशन के पहले चरण में QCI ने 2024 की शुरुआत में देश की युवा शक्ति, जो देश का भविष्य है, यूथ फॉर क्वालिटी भारत मिशन को किक स्टार्ट किया। इसके अंतर्गत यूथ फॉर क्वालिटी भारत फेस्ट का आयोजन दिल्ली के भव्य भारत मंडपम में किया गया। द यूथ फॉर क्वालिटी भारत मिशन, अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर क्वालिटी भारत एट 100, इज एन इनिशिएटिव लेड बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया टू एंश्योर दैट क्वालिटी बिकम्स अ पार्ट ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स। This initiative represents a powerful movement
aim at energizing the vibrant youth of India to guide our nation towards becoming a developed and quality-driven powerhouse by the year 2047. इस फेस्ट में स्पोर्ट्स, बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और कई शैक्षिक संस्थानों के हजारों युवाओं ने इसमें भाग लेकर इस मिशन से जुड़ने का प्लेज लिया। I would like to tell you, there is a will, there is a way. I never give up and I keep on fighting. बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं भारत क्वालिटी में यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ और आपको ये कह पा रहा हूँ कि आपके अंदर क्वालिटी होगी तो सफलता नंबर वन होगी। हर आने वाले पल को आज सीखेंगे, कल को जो कहा करके दिखाएंगे, क्वालिटी इंडिया बनाएंगे। पर कुछ चीजें इंप्रूव हुई हैं, यू नो, मुझे लगता है पेरेंटिंग बहुत इंप्रूव हो गई पहले से। यू नो, आजकल जितने प्यार से बच्चों को पाला जाता है वर्सेस जैसे हमारे टाइम में पाला जाता, बहुत ज्यादा फर्क आ गया। तो आजकल पेरेंट्स एक प्रॉब्लम जो डिस्कस करते हैं हमारे टाइम में होती नहीं थी। पेरेंट्स डिस्कस कर रहे होते कि बच्चा बोर हो रहा है क्या करें। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, हमारे माँ बाप ने कभी ऐसा डिस्कस नहीं करा। अगर हम बोर हो रहे होते थे ना, वो हमें हमारी प्रॉब्लम होती थी। हम बोर हो रहे हैं, हम खुद ही फेविकोल लगा के हाथों से उतारनी शुरू कर देते थे। मेरा ये मानना लगातार पुष्ट हुआ है कि क्वालिटी केवल एक एंड प्रोडक्ट नहीं हो सकती, इट हैज टू बी अ प्रोसेस, इट हैज टू बी अ कल्चर। क्वालिटी भारत मिशन एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है और हर एक भारतीय का कर्तव्य बनता है कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने। तो आज ही लॉग ऑन कीजिए www.qualitybharat.qcin.org पर और इस मिशन का प्लेज लें और क्वालिटी को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, क्योंकि क्वालिटी आपका अधिकार है।